वेव में जो हम लोग इससे पहले देखे क्या वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग, ये हमको समझ में आ गया कि कहां पे नोट्स बनती है और कहां पे एंटी नोट्स बनती है, कब फर्स्ट हार्मोनिक बनती है, कब सेकेंड और कब थर्ड। इस तरह से हम एंथ तक इसका फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट कर सके, ठीक। और इसमें हमको ये भी पता चला यहां जितनी भी हमारा क्या बना आपका फ्रीक्वेंसी बना वो किसका था, फर्स्ट हार्मोनिक का इंटीजरल मल्टीपल था, है कि नहीं। तो अब हम आगे बात करने वाले हैं किसका, स्टेनरी वेव इन ईयर कॉलम की, ठीक। अब ईयर कॉलम को याद करने से पहले हम थोड़ा सा श्री कृष्ण भगवान को याद कर लेते हैं, ठीक। किसको याद कर लेते हैं, श्री कृष्ण भगवान को। क्यों याद करेंगे, देखिए बांसुरी है कि नहीं है। तो उस बांसुरी के अंदर पे भी क्या बनती है आपका, वेव बनती है एक ऐसा, देखिए शादी विवाह में वगैरह में बजाया जाता है, है कि नहीं, शादी विवाह में बजाता है कि नहीं, उसका आवाज एक बेसुरा होता है, क्या होता है, उतना मधुर आवाज नहीं निकलती वहां से, पे पा पे ऐसा आवाज निकलता है, नहीं देखिए ऐसा करके बजाया जाता है, जो भी है सहनाई बोले या कुछ भी बोले, अरे कैसा करके बजाया जाता कृष्ण का नहीं आवाज बांसुरी, उसका आवाज मधुर होता है, जबकि ऐसा का वाला आवाज मधुर नहीं होता है। तो इसका फिजिक्स तो समझते हैं, ठीक ना। तो इसको जानने से पहले आप जान लीजिएगा कि यहाँ पे हमारा दो प्रकार की क्या होती है, पाइप होती है, ऑर्गन पाइप्स होती है, ठीक। एक में क्या होता है, एक और बंद होता है और एक और खुला होता है, और एक में दोनों और खुला होता है, ठीक। जानकारी के लिए बता दें जो शादी विवाह में यूज करती है ना, योर तो ये वाला भाग आपका क्या हो गया, बंद, इधर खुला, इधर क्या हो गया, खुला, इधर क्या हो गया, बंद। तो ये कैसा वाला, वन साइड क्लोज एंड वन साइड ओपन, ठीक। पकड़ पा रहे हैं, नहीं पकड़ पा रहे तो शादी करेगी तब देख लेना बढ़िया से, कैसा खुला रहता है बंद रहता है, कृष्ण का नहीं है वाला ऐसा, इधर भी खुला और इधर भी खुला, नहीं यहाँ पे छेदी तो रहता है, ये क्या है, ओपन है, और इधर भी क्या है, ओपन है। तो कितना प्रकार का, दो प्रकार का। पहला को हम किसके नाम से लिख दें यहाँ पे, बोलिए, हाँ, पहला वन साइड ओपन एंड वन साइड क्लोज, वन साइड क्लोज, ठीक। दूसरा बोथ साइड ओपन, ये दोनों पढ़ना है हमको, बात पकड़ में आया सुंदरी, चलिए पहले हम बात किसका करेंगे, वन साइड ओपन एंड वन साइड क्लोज की। ये देखिए आपको ये देख के पता चल भी रहा होगा, एक साइड क्या है, क्लोज, और एक साइड ओपन, नहीं है। बात पकड़ में आ रहा है, यस सर। म्यूजिशियन लोग इससे और आवाज को थोड़ा सा मीठा करने के लिए, समझ में आ गया, यहाँ पे पानी भर भर के बजाते हैं, क्या भर भर के बजाते हैं, पानी, पानी। आपका बुक में भी लिखा हुआ फिगर में देखो, क्या भर देते हैं, पानी, पानी भर दिया जाता है। जनरली तुम लोग क्या करना उसको भी दिखा देते हैं, जब प्रैक्टिकल लैब में जाना फिजिक्स का में, तो इस तरह का इंस्ट्रूमेंट होती है, ठीक। इसी तरह से क्या लेंगे, पाइप लेंगे जो एक तरफ से क्या हो, क्लोज हो, एक तरफ से ओपन हो, उसमें क्या भर देना है, पानी भर देंगे, और पानी भरने के बाद में इसका ऊपर पे एक आप ट्यूनिंग फोर्क को लेके जाएंगे, किसको, ट्यूनिंग फोर्क। ट्यूनिंग फोर्क का क्या मतलब, जब आप इसको क्या कर देंगे, छेड़ देंगे, तो वहां से वाइब्रेट उत्पन्न होने लगेगा, समझ में आ गया, yes, ये इसका बनावट दिखाई दे रहा है,
इसको आप ऐसा पकड़ के या किसी से बीट कर देंगे, मार देंगे, तो वो क्या करने लगेगी? वाइब्रेट करने लगेगी। बात पकड़ में आ रहा है? यस सर। तो यहां से जो वेव निकली वो वेव यहां पे आके टकराएगी, टकराएगी कि नहीं? टकराएगी। टकराने के बाद में वो क्या होगी? रिफ्लेक्ट होगी। होगा कि नहीं होगा? होगा। जिधर से आया है उधर ही क्या हो जाएगा? वापस हो जाएगा। बात पकड़ में आया? यस सर। ठीक। लेकिन यहां से जो कुछ वेव जो बनेगी वो वेव कैसे बनेगा ध्यान से समझिएगा। ऐसे है कि नहीं? अब ऐसे बनने का क्या मतलब? ये भाग आपका क्या कहलाएगा? एंटीनोइड्स, यही तो हम पढ़ के रखे अभी। और ये भाग क्या कहलाएगा? नोड्स। डाउट है? नो सर। नहीं है डाउट? और यहां पे आपका कुछ नहीं है लेकिन क्या है? हवा है। यह है कि नहीं है? है। और यह में आपका क्या होता है? कंप्रेशन होता है और रियरफेक्शन होता है। लेकिन वे भी तो है जो लॉन्गिट्यूडल में चलती है। बात पकड़ में आया? यहां पे स्ट्रिंग है क्या? नहीं है स्ट्रिंग। पिछला वाला में स्ट्रिंग था लेकिन यहां पे क्या है सुजाता? हवा है। और हवा में भी क्या होता है? हमारा लॉन्गिट्यूडल वेव चलती है। किस तरह से चलती है? कंप्रेशन और रियरफेक्शन में। ठीक। ये आपका क्या है? ट्यूनिंग फोर्क। इस तरह से हम इसको छेड़ दिए तो इस तरह से निकलेगा सिर्फ समझने के लिए। बाकी बात तो हम जब उसको फूक मारेंगे तो वहां से आपका वाइब्रेट क्रिएट होगा। बात पकड़ में आ रहा है? समझिएगा। सपोज जितना दूर आपका खाली जगह है वहां तक की लेंथ उसको हम क्या मान लेते हैं? एल मान लेते हैं। ठीक। आपको जानकारी होना चाहिए कि ये क्या है सुजाता? पानी। पॉइंट का नाम नोड्स। और ये क्या है? एंटीनोड्स। नोड्स और एंटीनोड्स के बीच का दूरी कितना? लैम्डा बाय 4। नोड्स और नोड्स के बीच का दूरी कितना? लैम्डा बाय 2। लेकिन नोड्स और एंटीनोड्स के बीच का दूरी कितना? लैम्डा बाय 4। बात नहीं समझ में आया? आया। तो यहां एल किसके बराबर? लैम्डा बाय 4 के बराबर। क्योंकि यहां से यहां को हमने क्या माना? एल। तो यहां पे आपका नोड्स बना, यहां पे एंटीनोड्स। नोड और एंटीनोड्स के बीच का दूरी कितना? लैम्डा बाय 4। तो एल किसके बराबर? लैम्डा बाय 4 के बराबर। बात पकड़ में आया? yes, तो हम लोग चले फर्स्ट हार्मोनिक की ओर। चलिए फर्स्ट हार्मोनिक। ये इसके लिए फर्स्ट हार्मोनिक। डाउट तो नहीं है ना? no, वो अभी हम किसका बात कर रहे हैं? एक और बंद है मतलब ऐसा वाला। ठीक। एल किसके बराबर? लैम्डा बाय 4 के बराबर। जानकारी के लिए एक बार फिर से हमको बनाना पड़ेगा इधर, नहीं तो तुम लोग कंफ्यूज हो जाएगी। ये मान के चलिए क्या है? नोड्स। ये एंटीनोड्स। ये नोड्स। ये एंटीनोड्स। तो आपको पता है नोड से नोड के बीच का दूरी लैम्डा बाय 2। नोड और एंटीनोड्स के बीच का दूरी लैम्डा बाय 4। तो यहाँ पे आपको क्या दिखाई दिया? नोड्स और एंटीनोड्स। तो दोनों के बीच का दूरी कितना? लैम्डा बाय 4। जो किसके बराबर होगा? एल के बराबर होगा। क्योंकि उसका हाइट को हमने क्या मान के रखा? एल मान के रखा। ठीक। तब लैम्डा इज इक्वल टू
4L, ठीक? यस सर। फर्स्ट हार्मोनिक के लिए न्यू वन फॉर्मूला बोलिए, वी बाय लैम्डा, पता है? यस सर। तो वी बाय 4L, क्लियर? डाउट है? नो सर। इस तरह से हमको क्या मिलता है, फर्स्ट हार्मोनिक मिलता है किसका, वन साइड क्लोज एंड वन साइड ओपन, ठीक? यस सर। चलिए आगे फिर से हम लोग चलते हैं और जानने का कोशिश करते हैं। पानी तो यहां भी क्या है, भरा हुआ है। ये पॉइंट्स क्या आपका नोट्स, यहां पे हमारा कितना नोट्स होगी, दो नोट्स होगा, कितना होगा, दो नोट्स है कि नहीं? एक नोट्स हम यहां पे बना देते हैं, ठीक? अब ये बढ़ेगा आगे कैसे, है ना? ये देखिए, बात पकड़ पाई होगी? यस सर। इसको थोड़ा सा ऐसा बना देंगे तो देखें थोड़ा सा, चलो अभी ठीक है। हाँ बताइए, इसकी लंबाई तो वही है हमारा, यस सर, बदलने वाला है जो आप यूज करते हैं सहनाई, उसका लंबाई नहीं बदलने वाला, लेकिन उसमें आप देखें बहुत सारे क्या होते हैं, छेद होते हैं। अगर वहां का छेद को क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया, तो उसका नोड और एंडी नोड्स चेंज हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? इसलिए तो कम ज्यादा दूरी पे रहते हैं, छह सात की संख्या में जो भी, या नौ दस की संख्या में, नहीं पता हमको, बात पकड़ में आ रहा है? ये आपका क्या है, नोड्स, तो ये एंटी नोड्स, ये क्या है आपका नोड्स, तो ये एंटी नोड्स। अब तो पकड़ पाई होगी, यस सर। इस केस में आपका नोड्स कितना बार, टू, एंटी नोड्स टू ही, जल्द से देखो, दो, एक और ओपन है, समझिएगा पॉइंट, ये नोड्स से ये नोड्स का दूरी कितना, लैम्डा बाय टू, नोड से एंटी नोड्स का दूरी कितना, लैम्डा बाय फोर, तो लैम्डा बाय टू प्लस लैम्डा बाय फोर कितना, मेरा बात पकड़ में आया? हम क्या बोलना चाहे यहां पे, कि नोड से नोड्स का दूरी लैम्डा बाय टू और नोड से एंटी नोड्स का दूरी लैम्डा बाय फोर। तो यहां पे इस केस पे ध्यान से देखिएगा, एल किसके बराबर, एल किसके बराबर, लॉन्ग फॉर्म में चलते हैं, लैम्डा बाय टू प्लस लैम्डा बाय फोर के बराबर, ठीक? यस सर। तब ये दोनों का एलसीएम फोर, 2 से 4 को डिवाइड करेंगे, 2 बचेगा, yes, sir. 2 से लैम्डा को मल्टीप्लाई कीजिए, 2 लैम्डा, बीच में क्या साइन, प्लस 4 से 4 को डिवाइड कीजिए, 1, 1 को लैम्डा से मल्टीप्लाई करेंगे, लैम्डा, 3 लैम्डा बाय 4, एल किसके बराबर, 3 लैम्डा बाय 4 के बराबर, क्लियर? यस सर। यानी कि एल आपको मिला क्या, 3 लैम्डा बाय 4, ये कहां से आया समझ में आया? यस सर। यानी कि ये नोड्स है और ये भी क्या है, नोड्स, तो इसका बीच का दूरी क्या, लैम्डा बाय 2, लैम्डा बाय 2, और ये नोड्स और ये एंटी नोड्स, ये दोनों के बीच का दूरी लैम्डा बाय 4, ये दोनों को जोड़ेंगे तो एल हमारा निकल आएगा, और कितना निकलता है, 3 लैम्डा बाय 4 निकलता है,
ठीक, और लैम्डा इक्वल टू यहां से लैम्डा बाहर किए हम, लैम्डा इक्वल टू जल्दी बोलिए 4L by 3। ये बात भी समझ में आता है? यस सर। हाँ ठीक, यस सर। इधर ध्यान दे दीजिए सुजाता, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या होता है? वी बाय लैम्डा। अभी कभी से पढ़ते आ रहे हैं यही चीज, हम यहाँ पे नंबर नहीं दिए, नंबर क्यों नहीं दिए बाद में पता चलेगा अभी। ठीक, चलिए वैल्यू लगाइए, भी तो हमारा भी है, ये लैम्डा, लैम्डा का क्या वैल्यू? 4L/3। क्या आप लिख सकते हैं 3V/4L? क्या अभी भी डाउट है? नो सर। नहीं है, आगे चलेंगे। और भी इक्वल टू क्या मिला आपको? 3। और क्या है? भी बाई 4L, भी बाई 4L किसके बराबर सुझाता? न्यू 1 के बराबर। ठीक, यस सर। अब कौन सा यहाँ पे वेव बना, सेकेंड हार्मोनिक या थर्ड हार्मोनिक? थर्ड हार्मोनिक। तो इसको हम क्या नाम देंगे यहाँ पे? थर्ड हार्मोनिक। मतलब ये वाला जो बना उसका नाम क्या है आपका? थर्ड हार्मोनिक। बात पकड़ी? सेकेंड हम क्यों देंगे इसको, ये हमारा थर्ड निकल के आएगा ना। yes, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। हम नहीं कह रहे हैं यहां पे, मैच बता रहा है ना। yes, चलिए आगे, बड़े पानी भरा हुआ है, अब नहीं भी भरेंगे तो तब भी ये क्लोज ही है, लेकिन पानी भरने से थोड़ा सा हमारा क्या होता है? फ्रीक्वेंसी बदल जाता है। चलिए सही बना। है ना? लेंथ तो आपको पता ही है, L। बोलिए ये नोड्स, ये क्या? एंटी नोड्स। फिर ये नोड्स, ये एंटी नोड्स, ये नोड्स और ये एंटी नोड्स। डाउट है? इस केस में आपका एंटी नोड्स 3, जबकि नोड्स भी कितना? 3 दिखाई दिया। yes, sir। आगे और बढ़ रहे हैं, देखिएगा नोड्स से नोड्स के बीच का दूरी लैम्डा बाय 2, फिर नोड्स से नोड्स का दूरी लैम्डा बाय 2, नोड से एंटी नोड्स का दूरी लैम्डा बाय 4 इक्वल टू एल। यही तो सीखे? yes, चलिए ध्यान से देखिएगा, एल किसके बराबर? ये नोड से ये नोड्स का दूरी कितना? लैम्डा बाय 2 प्लस ये नोड से ये नोड्स का दूरी कितना? लैम्डा बाय 2 प्लस नोड से एंटी नोड्स का दूरी लैम्डा बाय 4 इक्वल टू एलसीएम कितना? 4 है कि नहीं? yes, फिर क्या हो जाएगा? 2 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा प्लस लैम्डा इक्वल टू 5 लैम्डा बाय 4। ये कहां से आया पकड़ पाई? yes, हाँ। sir। एल किसके बराबर निकल आया? 5 लैम्डा बाय 4। लैम्डा बाहर दीजिए,
4L by 5 लिखेंगे? Yes sir. लैम्डा इक्वल टू 4L by 5 ठीक? Yes sir. आपको फ्रीक्वेंसी इक्वल टू मालूम होगा V by लैम्डा, V तो V रहेगा, लैम्डा का वैल्यू बोलिए 4L by 5 ठीक? Yes sir. तो ये क्या बन गया 5V by 4L बना कि नहीं बना? बना. इधर आइए तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 5 को हम 5 भी लिखते हैं. Yes, sir. V by 4L म्यू 1 के बराबर क्या लिख सकते हैं? Yes, sir. कौन सा आपका ये हार्मोनिक बना? 5. तो इसको हम क्या लिखेंगे? 5. आइए किसका है 5th हार्मोनिक. समझ में आया? Yes, sir. डाउट है? No, sir. नहीं. क्लियर? Yes, sir. अगर आप n निकालना चाहते हैं इसका, क्या निकालना चाहते हैं? n. तो क्या होगा इसका n? बताइए. n निकालते हैं यानी कि vn निकालना चाहते हैं तो क्या निकलेगा? 2n-1. नहीं निकलेगा? क्या निकलेगा? 2n-1. 2n-1 इंटू न्यू वन. देखिए अगर मान के चलिए हम यहां पे n की जगह में क्या डाल दें? 2 2 2 4 4-1 क्या निकलने वाला? 3. निकला है कहीं पे हम लोग का? ये देखो अगर हम यहां पे 3 ले लेते हैं तो 3 2 6 6-1 कितना? 5. ये देखिए यहां पे निकला हुआ है. इस तरह से ये एंथ तक का क्या बनता है? आपका फॉर्मूला बन जाता है. बात पकड़ में आया? यस सर. इस केस में आपको कैसा हार्मोनिक मिला बताइए? वी आर गेटिंग ओल्ड हार्मोनिक. बात पकड़ में आया? यस सर. आप ध्यान से समझिएगा कि पहले हमको क्या मिला? 1. फिर क्या मिला? 3. दूसरा गायब है कि नहीं? फिर तीसरा मिला, चौथा गायब, पांचवा मिला, छठवां फिर क्या होगा? गायब. फिर क्या मिलेगा? सातवां. तो बीच बीच का कोई चीज गायब होगा तो वहां से निकलने वाला आवाज सही होगा? सही होगा वहां का आवाज? नहीं होगा. तो इस केस का आवाज क्या होता है आपका? नॉट स्वीटर साउंड. दिस साउंड इज नॉट स्वीटर साउंड. समझ में आया? दिस साउंड इज नॉट स्वीटर साउंड. इसका आवाज हमारा बेसुरा होता है, पे 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 वाला. सुनिए ना शादी मियां में. Yes, सिर्फ उसमें औरत लोग डांस करती है, हट्ठा कट्ठा जब नौजवान नहीं नाचने वाला वहां पे. पता चला? Yes, क्यों नहीं नाचने वाला? क्योंकि उसका आवाज बेसुरा है कि नहीं? Yes. समझ में आता है फिजिक्स? Yes. मिटा दे. Yes, बहुत साइड ओपन कृष्ण कन्हैया ये वाला ठीक बांसुरी बहुत साइड ओपन दोनों ओर ओपन है. Yes, sir. तो जो भाग ओपन होता है वो हमेशा एंटीनोइड होता है, ये आपको पता होना चाहिए. ठीक? इसी तरह से चलेगी वेव. इसकी लंबाई कितना माने? L. ये वाला भाग आपका नोड कैंटीनोड,
एंटी नोड्स, तो ये नोड्स, ये एंटी नोड्स। क्लियर? समझिएगा पॉइंट। हम बात करेंगे पहले किसका, फर्स्ट हार्मोनिक का, कृष्ण कन्हैया को याद करते हुए, ताकि बात पकड़ में आती रहे हमको, हम किसका बात कर रहे हैं। ठीक? यस सर। चलिए, दो नोड्स के बीच का दूरी लैम्डा बाई टू, दो एंटी नोड्स का बीच का दूरी लैम्डा बाई टू। फिर से, दो नोड्स के बीच का दूरी, बोलो ना जल्दी, लैम्डा बाई टू, दो एंटी नोड्स के बीच का दूरी लैम्डा बाई टू ही होगा। दो नोड्स के बीच का दूरी अगर हमारा लैम्डा बाई टू हुआ, ठीक, तो दो एंटी नोड्स के बीच का दूरी भी क्या होगा, लैम्डा बाई टू। कहानी समझिए, एंटी नोड से नोड्स का बीच का दूरी लैम्डा बाई फोर, नोड से एंटी नोड्स का बीच का दूरी लैम्डा बाई फोर, लैम्डा बाई फोर प्लस लैम्डा बाई फोर कितना, टू लैम्डा बाई फोर, तो दो दुना चार, यानी कि लैम्डा बाई टू। नहीं, एक्सप्लेनेशन करने का आवश्यकता नहीं होगा यहाँ पे, तो सीधे यहाँ पे एल किसके बराबर, लैम्डा बाई टू के बराबर। तो लैम्डा किसके बराबर सुंदरी, टू एल के बराबर है कि नहीं। चलिए फ्रीक्वेंसी निकालिए, वी बाई लैम्डा, बताइए जल्दी, वी बाई टू एल लिखेंगे। ये क्या क्या मिला आपका, फर्स्ट हार्मोनिक किसका, बोथ साइड ओपन, ठीक, नहीं है डाउट, नो सर। ध्यान से समझिए, लंबाई तो आपका वही होने वाला है सुंदरी, ये वाला एंटी नोड्स, ये नोड्स, ये एंटी नोड्स, ये नोड्स, क्या मिला यहां, दो नोट्स और थ्री एंटी नोट्स। ये बात समझ में आता है, हम किसकी बात करेंगे अभी, सेकेंड हार्मोनिक का, ठीक। एल किसके बराबर, ध्यान दीजिएगा, यहां से इसका कितना दूरी, लैम्डा बाई फोर प्लस ये नोड्स और ये नोड्स, कितना दूरी लैम्डा बाई टू, नोड्स से एंटी नोड्स की दूरी लैम्डा बाई फोर। चलिए एलसीएम लीजिए, फोर, फोर से फोर लैम्डा प्लस टू लैम्डा प्लस लैम्डा, तो एल इज इक्वल टू, बोलिए, फोर लैम्डा बाई फोर, फोर से फोर कैंसल लैम्डा, यानी कि एल इक्वल टू आपको क्या मिलने वाला, लैम्डा मिलने वाला। ठीक, आगे बना पाएंगे, बोलिए, वी बाई लैम्डा, ये तो सीखे हैं, कितना वी बाई लैम्डा के जगह में
लैम्डा की जगह में क्या डालने वाले, एल, एल. भी बाई एल. क्लियर? आगे चलिए, कौन सा हार्मोनिक पढ़ रहे हैं हम लोग? सेकेंड. तो क्या आप सेकेंड हार्मोनिक के चलते इसको लिख सकते हैं टू बी बाई टू एल? डाउट है? ये हम इसको लिख सकते हैं इस तरह से? आगे ध्यान दीजिए, क्या आप टू को टू से लिख सकते हैं? फिर आपके क्या मिला? भी बाई टू एल. भी बाई टू एल क्या लिख सकते हैं? म्यू वन. दिखाई दिया? मतलब आपको यहां पे मिला म्यू टू इक्वल टू टू म्यू वन. ये देखिए सेकंड हार्मोनिक. हो गया? ध्यान दीजिए, इधर लेंथ तो वही होगा, इधर बताओ खुशी, ये क्या? एंटीनॉड्स. एंटीनॉड्स ये नॉड्स. यस एंटीनॉड्स ये नॉड्स. ये एंटीनॉड्स ये नॉड्स. और ये एंटीनॉड्स. बात पकड़ में आ रहा है? Yes, sir. चलिए ध्यान दीजिएगा, हम किसकी बात कर रहे हैं अभी? थर्ड हार्मोनिक की. किसका? थर्ड हार्मोनिक. एल किसके बराबर? समझिएगा, यहां से यहां कितना? लैम्डा बाई फोर. लैम्डा बाई फोर. यहां से लैम्डा बाई टू. लैम्डा बाई टू और लैम्डा बाई फोर. मतलब आप सीधे बोल सकते हैं थ्री लेमडा बाई टू. बात पकड़ में आया? नहीं समझ पाई? ये आपका नोड और एंटीनोइड का क्या? लेमडा बाई फोर. ये नोड और एंटीनोइड लेमडा बाई फोर, दोनों को जोड़िएगा तो लेमडा बाई टू आएगा. एक लेमडा बाई टू मिला, ये आपका लेमडा बाई टू, ये भी लेमडा बाई टू. तो एल किसके बराबर? थ्री लेमडा बाई टू के बराबर, है ना? Yes, sir. तो लैम्डा इक्वल टू कितना? लैम्डा इक्वल टू टू एल बाई थ्री बाई थ्री. चलिए टू एल बाई थ्री. आगे बना पाएगी? Yes, sir. न्यू थ्री इक्वल टू भी बाई लेमडा, यही जानते हैं? Yes, और भी थ्री इक्वल टू भी बाई लेमडा का जगह में टू एल बाई थ्री है कि नहीं? भी थ्री इक्वल टू थ्री भी बाई टू एल. ध्यान से समझिए, भी थ्री इक्वल टू थ्री भी बाई टू एल का जगह में न्यू वन. थर्ड हार्मोनिक. बात पकड़ में आया? Yes, sir. अगर हम क्या निकालना चाहें, एंथ टर्म निकालना चाहें, तो भी एन इक्वल टू जल्दी एन म्यू वन मिलेगा. एन yes, यहां पे क्या है आपका? वन टू थ्री डॉट डॉट. बात पकड़ में आया? क्या इस केस में हमको सब हार्मोनिक मिला? पहला दूसरा तीसरा चौथा कि छूट रहा है कहीं पे? सब हार्मोनिक मिला. तो क्या लिखते हम? वी आर गेटिंग ऑल दी हार्मोनिक हार्मोनिक सो इट्स साउंड इज स्वीटर. इसका आवाज बहुत ही बढ़िया,
श्री कृष्ण भगवान। डाउट है किसी को, पूछना है? क्लियर होती है यहाँ पे? यस सर। चलो तो फिजिक्स को आज यहीं पे क्या करते हैं, समाप्त करते हैं और कल चलते हैं एक दूसरा नया टॉपिक की ओर। ठीक।